हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलेका फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। न दूध, न मावा, न मलाई, कितनी अच्छी बर्फी, दो लेयर की बर्फी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई बनी है बिना किसी झंझट के। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखा है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, 1/2 कप बारीक वाला सूजी, मैंने नॉर्मल सूजी को मिक्सी में पीस लिया है। धीमी आंच पे हमें सूजी को अच्छे से भूनना है। हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है। मैंने सूजी को 3 मिनट भून लिया है धीमी आंच पे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज नहीं हुआ है और इसका कच्चापन दूर भी हो गया है और इसे अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे आप स्किम्ड मिल्क पाउडर या फिर होल मिल्क पाउडर ही यूज़ करें, डेरी वाइटनर वाला मिल्क पाउडर को यूज़ ना करें, नहीं तो उससे मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा गैस का फ्लेम ऑफ है, ध्यान रहे। अब इस मिक्सचर को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने सेम पैन रखा है गैस पे। अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप पानी, हमें चाशनी बनाना है, 1/2 कप चीनी। चीनी के पिघलने तक हम इसे चलाएंगे, नहीं तो चीनी नीचे तले में बैठ सकती है। ये देखिए, चीनी पिघल गई है और चाशनी में उबाल भी आ गया है। यहाँ हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो हम इसे थोड़ी देर पका लेते हैं। ये देखिए, चाशनी को मैंने 2 मिनट और पका लिया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम चाशनी को इस तरह से हाथों में उंगलियों में लेंगे और ये देखिए, ऐसे करने से तार टूट रहा है। हमें बस चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। आप देख सकते हैं कोई तार नहीं बन रहा है, ये देखिए। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच रोज एसेंस। आप यहाँ पे इलायची का पाउडर या भी कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हमने जो सूजी और मिल्क पाउडर को मिला के रखा था उसे हम डालेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ किया हुआ है, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मिक्स करने के बाद अब मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है। ऐसे इसी तरह हमने चलाया है, आप देख सकते हैं अब ये डो के फॉर्म में आ गया है। इसने कढ़ाई के तले को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब मिठाई बनाने के लिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। मैंने मिक्सचर को 2 बराबर हिस्सों में बांट लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ इस तरह का एक डब्बा लिया है, टिफिन बॉक्स। इसमें मैंने एक बटर पेपर लगा के घी लगा दिया है। अब इसमें हम एक पोर्शन को लेंगे। अब एक चम्मच की मदद से इसे हम इस तरह से फैला देंगे और इसे एक सार कर देंगे, बराबर कर देंगे इस तरह से। हम यहाँ पे 2 लेयर की बर्फी बना रहे हैं, तो हमारा ये पहला लेयर तैयार हो गया है। इसे थोड़ा चिकना कर देंगे। अब हम दूसरे पोर्शन में थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल रहे हैं। आप यहाँ पे अपने पसंद का कोई भी कलर डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस लेयर को इसके ऊपर फैला देंगे, अच्छे से फैला दें। मैंने चम्मच से इस तरह से इसे चिकना कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारी बर्फी जम गई है। इसे जमने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसे हम काट लेते हैं। आप अपने पसंद का कैसे भी शेप में काट सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे प्लेट में इस तरह से सजा लिया है। मैंने इस बर्फी पे काजू, जिसे मैंने हाफ करके लगा दिया है और थोड़ी सी टूटी फूटी लगा दिया है। आप अपनी
पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट या सिल्वर वर्क से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी बर्फी कैसी बनी है। देखिए कितना अच्छा लुक आया है, आप देख सकते हैं दो लेयर की बर्फी हमारी बनकर तैयार है। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है ना। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसके किनारों को तोड़ के रखा था। ये देखिए बिल्कुल भी चिपचिपी सी नहीं है या फिर ऐसी नहीं कि इसमें कोई खिंचाव है, कितने आराम से टूट रही है आप देख सकते हैं। मैं आपको इसे भी तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से टूट रही है आप देख सकते हैं। इस मिठाई को आप 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। किसी एयर टाइट डब्बे में आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इस रक्षाबंधन में से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।